Hello everyone, welcome to learning science. आज हम properties of textile fibers के बारे में पढ़ेंगे. तो उसमें एक आता है aesthetic property. जो aesthetic factor है या aesthetic property है, aesthetic का मतलब होता है जो कपड़ा है, fabric है, जो कि fiber से बनता है, वो कितना खूबसूरत है, कितना pleasing दिखता है. तो जो silk है वो बहुत ही outstanding example है एक जो फाइबर है उसका, जिसका बहुत ही अच्छा एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ है. जो सिल्क है बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है. और जो फिलामेंट एसीटेट है वो भी बहुत ही अच्छा दिखता है, वो कपड़ा भी. फिर पॉलीईस्टर आता है जो कि वूल की तरह दिखता है और वो भी बहुत प्लीजिंग होता है, सुंदर होता है. तो यहाँ पर जो है कि एस्थेटिक कपड़ा दिखाया गया है. फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है कंफर्ट. जो कंफर्ट है फाइबर का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको हम अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए हैं. तो ये जो है फैब्रिक का जो कंफर्ट है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है. उसका वेंटिलेशन कैसा है, यानी कि कपड़ा ब्रीदेबल है कि नहीं, वो हवा को अंदर और बाहर आने जाने देता है कि नहीं. हीट इंसुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, वो जो गर्म हवा है उसको बाहर निकालता है कि नहीं. या ट्विस्टिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो बताता है कि एक कपड़ा जो है वो कितना कंफर्टेबल होता है. लेकिन जो कंफर्ट है वो डिपेंड नहीं होती है कि वो फैब्रिक कितना मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, वो वहाँ उस चीज़ पे जो है वो डिपेंड नहीं होती. फिर उसके बाद आता है क्रीस रेजिस्टेंस. क्रीस मतलब रिंकल होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो रिंकल वाला कपड़ा दिया गया है. रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, अपोज करना. तो वो फाइबर जो कि रिंकल फ्री हो. तो पॉलीईस्टर, नायलन और एक्राइलिक्स जो है वो अच्छा है, यानी कि उन फाइबर पे या फैब्रिक पे रिंकल नहीं होता है. सेल्यूलोसिक्स जो है वो अच्छा नहीं है, यानी कि वो जो है रिंकल होता है. तो उसको हम लेबोरेटरी के अंदर किसी और रेजिन के साथ मिक्स करके, थोड़ा चेंजेस करके क्रीस रेजिस्टेंस, हम गुड क्रीस रेजिस्टेंस जो है उसको रिंकल फ्री बना सकते हैं. तो वो है क्रीस रेजिस्टेंस. फिर उसके बाद आता है फैब्रिक स्टेबिलिटी, यानी कि जो फैब्रिक है वो कितना स्टेबल है. तो सबसे पहले जो शेप और स्टेबिलिटी है सिंथेटिक फाइबर्स की, जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा होता है जो फाइबर लेबोरेटरी में बने हैं. जो वूल है वो भी अपना शेप रखता है गारमेंट के अंदर, वो भी स्टेबल है. लेकिन वो वेट ट्रीटमेंट पर जब हम उसको गीला करेंगे तो वो श्रिंक हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है. एक फिनोमिना होता है जिसको हम पिलिंग कहते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है सिंथेटिक्स के अंदर. और पिलिंग में क्या होता है, नोड्यूल या पिल जो है, छोटे छोटे गोल जो है वो फॉर्म होता है जब हम फाइबर को रब करेंगे. उसका सरफेस रेस और टैंगल, रेस और एक दूसरे के साथ टैंगल होने की वजह से जो है वो जो है नोड्यूल बनता है. यहाँ पे जिसको हम बबलिंग भी कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे नोड्यूल है जो कि फाइबर पर बना है, कपड़े पर बना है. और ये जो है वूल के अंदर तो ये जो है डिसअपियर हो जाता है, वेयर ऑफ हो जाता है. लेकिन जो पॉलीईस्टर्स है उसके अंदर ये जो है रहता है और बहुत ही अनसाइटली दिखता है, बहुत ही गंदा दिखता है. तो ये है फैब्रिक स्टेबिलिटी. फिर उसके बाद आता है वेयर रेजिस्टेंस. वेयर रेजिस्टेंस को हम एजिंग भी कह सकते हैं. जो फाइबर है उसको अगर हम, या फैब्रिक है उसको अगर हम लंबे समय तक रखेंगे तो क्या होगा. तो जो एब्रेशन है, जब हम एब्रेशन करेंगे, इरोजन करेंगे, घसीटेंगे फाइबर को, लेबोरेटरी के अंदर ऐसा कोई टेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि एब्रेशन ऑफ फाइबर, जिस पे डिपेंड करती है फाइबर का एब्रेशन. जो एसीटेट रेयन है वो एकदम से एब्रेट हो जाता है, वो एकदम से घसीट वसीट जाता है, वो एकदम से पुराना हो जाता है और फटना स्टार्ट हो जाता है. जबकि विस्कोस कॉटन और वूल जो है वो उसके बाद आता है. और जो पॉलीईस्टर्स, एक्राइलिक्स और नायलन है वो एकदम से फटता नहीं है, वो जो है लंबे समय तक रहता है. जबकि एसीटेट रेयन जो है वो एकदम से फट जाता है.